हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं 2021 में जितने भी एम्स होते हैं उन सब एम्स में एमबीबीएस का जो है क्या कट ऑफ रहा है। ठीक है, तो 19 एम्स जो है 2021 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सभी एम्स का जो मतलब टोटल एम्स की यदि बात करें तो फाइनल कट ऑफ क्या गया है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का और टोटल हर कैटेगरी में कितनी सीटें अलॉट हुई है इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम 20 का भी डेटा एनालाइज करेंगे और 21 का भी कट ऑफ आपको बताएंगे फर्स्ट राउंड का, जिससे कि आपको एग्जैक्ट अनुमान लग जाए कि इस बार एम्स का कट ऑफ बढ़ रहा है रिस्पेक्टिव कैटेगरी में या कम हो रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, पहले आप हमारे सारे चैनल यदि फॉलो करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जिससे कि आप जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, अपडेट रहेंगे। देखते हैं, तो नीट यूजी 2021 काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, कट ऑफ फॉर ऑल एम्स। ऑल एम्स का मतलब जो है एक फाइनल जो कट ऑफ गया है एम्स का उसकी बात कर रहे हैं आफ्टर फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट। फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के बाद जो है टोटल जितने एम्स है उसमें फाइनल कट ऑफ क्या रहा है, एससी एसटी ओबीसी जनरल वगैरह जो सभी कैटेगरी है उन सब का फाइनल कट ऑफ क्या रहा है, कौन सा कॉलेज सबसे लास्ट में फेल हुआ है उसके ऊपर बात करने वाले। तो पहले हम बात करेंगे 2020 के कट ऑफ की, देन आफ्टर हम 21 के कट ऑफ की बात करेंगे। तो यहाँ पर 2020 का फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ रहा है एम्स का वो देखते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सबसे लास्ट में लगभग जो है जम्मू और देवघर फिल अप हुआ है। तो कैंडिडेट की कैटेगरी क्या है, उन्हें अलॉट किस कैटेगरी में हुआ है। ठीक है, टोटल कितनी सीटें फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई है। ठीक है, किस क्लोजिंग रैंक पर अलॉटमेंट हुआ है, अलॉटेड कोटा और लास्ट अलॉटेड इंस्टीट्यूट, तो सारे के सारे हमने टेबल के फॉर्म में आपको समझा दिया है जो कि आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। तो हम बात करेंगे कैंडिडेट की कैटेगरी, जैसे जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी के फर्स्ट राउंड में टोटल जो स्टूडेंट को अलॉट हुआ है वो 578 है। ठीक है, और जनरल कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक रही है 2020 की वो 6078 है। कोटा तो एम्स ही रहेगा, लास्ट अलॉटेड इंस्टीट्यूट जम्मू है। एंड कोर्स की बात करें तो एमबीबीएस अलॉटेड कैटेगरी वही ओपन रहेगा। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो टोटल अलॉटेड सीट है 217217, रैंक की बात करें 7401, अलॉटेड कोटा एम्स, इंस्टीट्यूट जम्मू एम्स जम्मू, कोर्स एमबीबीएस एंड अलॉटेड कैटेगरी वही ईडब्ल्यूएस है। इस तरीके से ओबीसी कैटेगरी को जो टोटल सीटें अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में 613, ठीक है 613, और जो लास्ट क्लोजिंग रैंक रही है ओबीसी के लिए वो रही है 6827, कॉलेज वही एम्स जम्मू और कैटेगरी भी वही बैकवर्ड का। ठीक है, इस तरीके से एससी कैटेगरी की बात कर टोटल फर्स्ट राउंड में जो अलॉट हुई है सीटें वो हुई है 269, एससी के लिए क्लोजिंग रैंक रही है 42796, एम्स जम्मू ही अलॉट हुआ है सबसे लास्ट में एंड कैटेगरी एससी। इस तरीके से एसटी की बात करें तो टोटल अलॉटेड सीटें जो है फर्स्ट राउंड में 129 है, रैंक क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 61264, और एम्स और यहां पर जो लास्ट अलॉटेड इंस्टीट्यूट है एसटी के लिए फर्स्ट राउंड में वो है एम्स देवगढ़। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया है कि फर्स्ट राउंड का 2020 का क्या कट ऑफ रहा है ना। अब हम बात करेंगे 2021 के फर्स्ट राउंड के कट ऑफ की फॉर एम्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो वही कैटेगरी और टोटल अलॉटेड सीट, ठीक है फर्स्ट राउंड के लिए, और सारी बातें आपको दिख रही होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी का जो है टोटल अलॉटेड सीट है 2021 में 659, इसी तरीके से जो क्लोजिंग रैंक है 4999, मतलब लगभग 5000 के आसपास जो रैंक पर क्लोजिंग रैंक रही है। यहाँ पर भी जो क्लोजिंग इंस्टीट्यूट है वो एम्स जम्मू है और डिग्री एमबीबीएस अलॉटेड कैटेगरी ओपन। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में टोटल अलॉटेड सीट है 2021 में फर्स्ट राउंड के लिए 234, क्लोजिंग स्कोर की बात रैंक की बात करें 7216, एम्स मदुरई इसमें फाइनल फिलअप हुआ था, और ईडब्ल्यूएस। ओबीसी की बात करें 614 टोटल अलॉटेड सीटें, रैंक 6066, एम्स जम्मू एमबीबीएस बैकवर्ड क्लास। ठीक है, इस तरीके से एससी में टोटल सीटें अलॉट हुई है 292, क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक की बात करें 43707, और एम्स मदुरई यहां पर लास्ट में फिलअप हुआ है एससी। एसटी की बात करें टोटल अलॉटेड सीटें 145 पे, ठीक है क्लोजिंग रैंक की बात करें 2021 की फर्स्ट राउंड के लिए एसटी के कैटेगरी 65960, एम्स देवगढ़ यहां पर सबसे फिलअप लास्ट में फिलअप हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2021 में जो है टोटल कैटेगरी वाइज कितनी सीटें अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में, और क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक क्या रही है रिस्पेक्टिव कैटेगरी में, और जो सबसे लास्ट में कौन सा कॉलेज एम्स फिलअप हुआ ये बता
बता दिया है। तो हमने आपको जो है 2020 और 2021 के दोनों के फाइनल फर्स्ट राउंड के, 20 का भी जो हमने बताया था फर्स्ट राउंड का ही कट ऑफ था एंड 21 का जो हम बता रहे हैं वो भी फर्स्ट राउंड का कट ऑफ ही है। तो उम्मीद है कि आपको एम्स के जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ समझ में आ गया होगा, उसी के बेसिस पर जो है सेकंड राउंड या थर्ड फोर्थ चार राउंड होंगे इस बार, तो सभी जो राउंड है उनका हम अनुमान लगाना आसान हो जाएगा कि हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।